Wall art has the power to transform plain walls into vibrant canvases that express your individual style. By introducing color, texture, and personality, it breathes life into otherwise ordinary looking walls and space. Hello, I'm Shraddha and welcome to Big Basket. आज मैं शेयर कर रही हूँ कूल, अफोर्डेबल एंड अमेजिंग वॉल डेकोर आइडियाज जो आपके घर में एक एस्थेटिक प्रोवाइड करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ब्लैंक वॉल कैन बी टफ टू टैकल, बट डोंट वरी, आई हैव एन आइडिया. फॉर दोज हु चेरिश द एल्योर ऑफ हैंडक्राफ्टेड विंटेज प्रोडक्ट्स, इनकॉर्पोरेटिंग अ झरोका इनटू योर होम डेकोर इज अ वे टू शोकेस योर अप्रिसिएशन फॉर द आर्टिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्राफ्टमैनशिप. तो बस इसलिए मैंने सोचा आई शुड क्रिएट विंडो टू एलिगेंस विद दीज ब्यूटिफुल झरोका मिरर्स. ये फ्रेम्ड झरोका मिरर्स हैं, ओम्ब्रे पैटर्न में है. हेयर ओम्ब्रे मीन्स द कलर शेड आई एम टॉकिंग अबाउट. ब्लू के शेड्स हैं जिन्हें हम हैंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेल. ये सिर्फ एक वॉल डेकोर आइडिया नहीं है, ये झरोका मिरर्स वॉल डेकोरेशन के साथ साथ लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं और टेक्स्चर भी ऐड कर रहे हैं मेरे होम एंट्रेंस पे. Also guys, having a mirror in your entryway allows you to check yourself one final time before heading out. Still the wall looks little incomplete. Just to fill it up, I got these beautiful wind chimes जो कि हमसा hand pattern में हैं and gold finish में हैं, जो इसे proper ethnic style provide करेंगी. And this is how I completed my wall decor. Are you living in a rental space and don't have much to invest on furniture? तो भाई वॉल डेकोर के साथ साथ एक फंक्शनल आइडिया शेयर कर रही हूँ एंड आई नो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लव्ड बाय मेनी ऑफ यू. वॉल डेकोरेशन का मतलब सिर्फ वॉल को डेकोर करना ही नहीं है, इट शुड बी फंक्शनल टू. फंक्शनल डेकोर इज अबाउट मेकिंग योर स्पेस वर्क फॉर यू, योर फैमिली एंड योर लाइफस्टाइल. इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन ब्यूटी एंड प्रैक्टिकलिटी. होता क्या है, हमारे पास एंड टेबल नहीं होती है चीज़ें रखने के लिए, प्लेस करने के लिए, एंड वी एंड अप मेसिंग थिंग्स. सब कुछ बेड पर ही रख लेते हैं, बेड पर आराम करें कि चीज़ें रखें. बट डोंट वरी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए यूनिक और फंक्शनल आइडियाज़ लाने की. सो फॉर दिस वॉल आई हैव गॉट अ ब्यूटिफुल शेल्फ, जिसे हम फ्लोटिंग शेल्फ भी कह सकते हैं. येस, दिस इज अ रतन वॉल माउंटेड शेल्फ, जिसे हैंग करना बहुत ईजी है. इसे इंस्टॉल भी नहीं करना है, जस्ट नेल्स से आप फिक्स कर सकते हैं इसको. बहुत ही सुंदर इसका स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, पैटर्न है. तो मैंने ये नेल्स लिए हैं, दीज आर स्टेनलेस स्टील वाले नेल्स जो हैवी वेटेड थिंग्स को भी ईजली कैरी कर लेते हैं. तो बस इसे हैमर करने के बाद हम इस शेल्फ को माउंट कर देंगे, जो एंड टेबल की तरह एक्ट करेगा. Floating shelves are great addition to use in any bedroom because they can be utilized to hold and display large and small items that you use on a regular basis. तो देखा आपने कितने simple idea से decoration के साथ साथ wall functional भी बन गई, वो भी budget में. जुगाड़ किसे अच्छे नहीं लगते. For creating aesthetic walls, you don't have to spend a lot of money. कुछ सिंपल हैक्स से भी आप अचीव कर सकते हैं प्रिटी लुकिंग वॉल्स. लुक व्हाट आई मीन टू से, आई हैव दिस ओल्ड कैलेंडर जिसके ये पिक्चर्स पेंटिंग के फॉर्म में काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं. आप इन्हें सिंपली कट करके और फ्रेम करके वॉल डेकोर आइडिया क्रिएट कर सकते हैं. एंड यू नो व्हाट, दीज ब्यूटिफुल पेंटिंग्स आर ऑफ फेमस इंडियन आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा. Raja Ravi Verma was Indian painter and artist. He is considered among the greatest painters in the history of Indian art for a number of aesthetic and broader social reasons. Raja Ravi Verma was closely related to the royal family of Travancore of present-day Kerala state in India. Now the technique is very simple. आपके पास जो भी available frames हैं, उनके size के according आपको इन्हें cut करना है, like the way we cut posters. और इस तरीके से मैंने ना यहाँ एक कलर थीम रखी हुई है, तो मैंने सिर्फ रेड पिक्चर्स ही यूज़ करी हैं. इसमें बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल थी, मैंने रेड थीम पिक्चर्स ही ऑप्ट की हैं, जो कि बहुत प्रिटी लगने वाली हैं और इंडियन एस्थेटिक वॉल पे ऐड करेंगी. एंड आई हैव चोज दिस ब्यूटिफुल वाइट वॉल जो कि ऑलरेडी फ्रेम्ड वॉल है. आई वॉन्टेड द वॉल टू बी एस्थेटिक, इसलिए मैंने सिर्फ रेड कलर चूज़ किया है, जो वाइट पे काफ़ी अच्छा लगेगा. अगर आपकी वॉल कलरफुल है, येलो है, ब्लू है, तो आप उसमें वाइट या ब्लैक वॉल डेकोर एसेसरीज ऐड कर सकते हैं.
for any long corner wall, add desi drama with traditional gallery wall. This one is specially for Indian homes jinhe ghar par desi decor add karna interesting lagta hai. For this you can go with ethnic wall arts like Madhubani, Pichwai, Kalamkari etc. Bedroom wall ho ya living room wali wall, ye sab jagah suitable hai and provide rich and classy finish. अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो अपने हाथों से बनी हुई पेंटिंग या आर्ट फॉर्म्स भी ऐड कर सकते हैं. एंड फॉर दोज हु कुडंट पेंट और डजंट हैव दैट मच टाइम, तो आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इससे आप लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की हेल्प कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्स टू कीप अलाइव द ट्रेडिशंस एंड इंडियन आर्ट फॉर्म्स. इस पूरी वॉल को कवर करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया ये था कि इसे मैंने जिगजैग पैटर्न में हैंग की है. Also guys, इस तरीके की लंबी वॉल को आप बैलेंस करिए विथ डेकोर एसेसरीज लाइक प्लांट्स, लैम्प शेड्स एंड अ रनर और रग, और फिर देखिए कितना मैजिक क्रिएट करेगा ये सिंपल सा कॉर्नर. दिस लास्ट हैक इज़ माई फेवरेट वन और आप भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे इससे. हमारे रेंटल घरों में इस तरीके की वॉल्स मिल ही जाती हैं जो चिप्ड होती हैं, पैचेस बने रहते हैं, उन्हें कवर अप करिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेपेस्ट्री से. ये बैम्बू मैट में बनी हुई पेंटिंग है जिसे आप टेपेस्ट्री कह सकते हैं. तो हमारी वॉल तो एस्थेटिक बन गई है, अब हम गिव अवे की बात करते हैं. कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने किस फेमस इंडियन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स यूज करी है डाइनिंग वॉल को डेकोरेट करने के लिए. और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय.